हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है HPD, जिसे हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति का इमोशन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली होते हैं और अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेल्फ इमेज कॉन्शियस होता है, उसे सेल्फ इमेज की बहुत ज्यादा परवाह होती है। पर अक्सर देखा जाता है जो हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति है, वो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। वो ये नहीं देखता कि प्लेस कौन सी है, वो ये नहीं देखता कि जगह कौन है, लोग कौन है, सिचुएशन क्या है। दे डोंट रियलाइज देयर बिहेवियर, ओनली अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं, अपनी स्पीच को कितना भी लाउड कर सकते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं, कोई भी ड्रामेटिकली स्टोरी बना सकते हैं। अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। मोस्टली अगर उन्हें अटेंशन ना मिले तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो हर वक्त अटेंशन पाना चाहते हैं। उनको सेंट्रल ऑफ अटेंशन रहना है। उन्हें जिस समय वो जहां पे मौजूद हैं, सोसाइटी में, प्लेस पे या कहीं भी, उनको ये चाहिए कि सबके अटेंशन उनके प्रति हो। तो वो उसके लिए कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं, अपनी स्पीच को लो या अप कर सकते हैं, या कोई भी कहानियां बना सकते हैं ताकि सबकी अटेंशन उनके प्रति आए या उनकी तरफ ही आए। मोस्टली दिस डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन वुमेन, औरतों में डिसऑर्डर ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मैन। आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको हिस्टोनिक पर्सनालिटी रिलेटेड कुछ जानकारियां दी हों। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।